हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन जीटेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एचएसएससी के बारे में बताएंगे। एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन हमारे सामने आई है जो कि ग्रुप ए, बी, सी और डी से संबंधित है, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और उन्होंने हर एक ग्रुप के लिए वैकेंसी लिस्ट डिपार्टमेंट से मांगी है कि किस डिपार्टमेंट्स के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी लिस्ट हैं, कितनी पोस्ट सेंशन हैं और कितनी वैकेंट हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद, जैसे कि आपको पता है, छठे चरण का मतदान हो चुका है, उसके बाद सातवें चरण के मतदान के बाद जैसे ही मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों नई वैकेंसीज आएंगी। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है दोस्तों। उस भर्ती के अंदर मैं आपको बताऊंगा जेई और उसके अलावा दोस्तों पटवारी की भर्ती होगी, उसके बाद क्लर्क्स की, उसके बाद ग्रुप डी। और दोस्तों, इसके अलावा एक दूसरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें सभी ग्रुप्स के, चाहे वो ए ग्रुप का एम्प्लॉय हो, चाहे बी ग्रुप, सी ग्रुप है, डी ग्रुप की कोई भी पोस्ट हो, सबके लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें वैकेंसी लिस्ट मांगी गई है हर एक डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों, आइए हम आपको वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर इसी तरह की नई नई जानकारी आप पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की नेक्स्ट अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों देखिए, हमने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की होम पेज ओपन कर लिया है और वहां पर हम आपको जो न्यू एंड अपडेट्स के कॉलम्स हैं उसमें आपको दिखाएंगे। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों 13 और 14 तारीख में, एक नोटिफिकेशन 13 तारीख को आया है, एक नोटिफिकेशन 14 तारीख को आया है। तो दोस्तों, हम यहां से क्लिक हियर टू सी पर मोर करके देखेंगे हर एक नोटिफिकेशन की डिटेल में, आपको डिटेल में बताऊंगा और किस किस पोस्ट के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती करने जा रहा है और कितनी वैकेंसीज होंगी। दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले देखेंगे 14/5/2019 सबसे ऊपर का नोटिफिकेशन आप देख सकेंगे, 14/5/2019 का रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ रिक्वेस्टेशन एंड रिक्वेस्ट ऑफ जेई क्लर्क पटवारी एंड ग्रुप डी पोस्ट इन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों, इसको ओके कर देते हैं और उसके बाद आपको हम डाउनलोड होने के बाद पूरा जो नोटिफिकेशन जारी किया है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने, वो आपको हम दिखाएंगे, आप देख सकेंगे। और यहाँ आप देखेंगे मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है, टाइम बाउंड, डेट बाउंड। तो हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। तो दोस्तों, सब्जेक्ट आप देखेंगे रिगार्डिंग सेंडिंग द रिक्वेस्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जेईज क्लर्क पटवारी एंड ग्रुप डी पोस्ट इन हरियाणा स्टाफ सिलेक्ट कमीशन। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ नीचे लिखा हुआ, आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर इंटरेस्ट टू सब्जेक्ट साइटेड अबव, यू आर अवेयर दैट ईच डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड ए नोडल ऑफिसर टू डील विद द मैटर ऑफ जॉब रिक्वेस्टेशन इन प्लेस ऑफ एसएससी। तो दोस्तों, ये बताया गया है कि हर एक जो डिपार्टमेंट है उसमें एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है जो कि वैकेंसी पोस्ट की डिटेल लेगा हर एक डिपार्टमेंट से। उसके बाद वाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ एवन नंबर ऑफ डेट 8/5/2019 ऑल द डिपार्टमेंट बोर्ड्स कॉरपोरेशन वर डायरेक्टेड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ जेई क्लर्क पटवारी ग्रुप डी एसएससी थ्रू ऑनलाइन रिक्वेस्टेशन। तो दोस्तों, एक ऑनलाइन रिक्वेस्टेशन का एक पोर्टल जारी किया है, वहां पर दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट को अपनी पोस्ट की वैकेंसी लिस्ट डालनी होगी, कितनी पोस्ट सेंशन है, कितनी पोस्ट वैकेंट हैं और कितनी पोस्ट फिलअप हैं। तो दोस्तों, 10 मई 2019 तक अप टू 5 PM तक पॉजिटिवली करना आवश्यक था, जिसकी डेट अब बढ़ा दी गई है, जो कि 14/5 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से। तो दोस्तों, जल्दी ही हरियाणा में नई भर्ती होने वाली है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, हम आपको एक दूसरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे जो कि 13/5/2019 का नोटिफिकेशन था दोस्तों, जिसमें कि ये दिखाया गया था कि जो ग्रुप ए, बी, सी और डी की जो पोस्ट्स हैं उनके भी जो है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने वैकेंसी लिस्ट मांग ली है। आप सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड पोस्ट फिलिंग फील्ड एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ ए, बी, सी वेरियस बोर्ड कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, ये 13/5 का नोटिफिकेशन है, ये हम आपको पढ़ के बताएंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है और कहाँ इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये भी दोस्तों देख सकते हैं, ये रिमाइंडर सेकंड दिया गया है, टाइम बाउंड है और डेट इसकी 13 मई 2019 की है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ सेंशन फील्ड एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों, जितनी भी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर टोटल सेंशन पोस्ट हैं, फील्ड हैं और वैकेंट पोस्ट हैं, सभी का डिटेल, सबका ब्यूरा जो है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने एचएसएससी से लिया है, जो कि नोडल ऑफिसर के थ्रू लिया गया है। नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हर एक डिपार्टमेंट में, जो कि इनकी रिक्वेस्टेशन पोस्ट की डिटेल देंगे और उसमें एक एक्सेल शीट दी गई है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक एक्सेल शीट डाली गई है, उसमें दिखाया हुआ है कि ग्रुप ए में टोटल सेंशन पोस्ट
नेमो पोस्ट फिल्ड वैकेंट, उसी तरह ग्रुप बी में भी दोस्तों नेमो पोस्ट फिल्ड एंड वैकेंट। तो दोस्तों ये सभी एक्सेल शीट में हर एक डिपार्टमेंट्स को ये एक्सेल शीट में भर के दोस्तों चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भेजना होगा। उसके बाद दोस्तों चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ये डिसाइड करेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज पर एडवर्टाइज किया जाएगा और कितनी वैकेंसीज पर पोस्ट अवेलेबल होंगी और क्या क्या डिपार्टमेंट्स उनके लिए दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। तो इससे के अलावा दोस्तों हम आपको और नई नई जानकारी देते रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई से रिलेटेड, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, या फिर उसके अलावा दोस्तों कोई नई अपडेट्स हो, वैकेंसी लिस्ट हो, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट्स हो, तो दोस्तों सभी की जानकारी हम आपको अप टू डेट देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारियाँ अप टू डेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि इस तरह की अपडेट्स इस तरह